को पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सजनों धार्मिक भाइयों कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी मधुर वाणी में। जी बेटे वो उर्दू के लिए आ चुका है हमारे पास कोई 500 दाने आ चुके हैं। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग देवी शांत सब शांत बड़े प्रेम से भगवान जी का की प्रेरणा से एक विषय जारी है। हर अध्याय का संकेत आने वाली पावन गीता जयंती का के उपलक्ष में हम उसका स्वागत कर रहे गए। हम पहुंच गए थे किस अध्याय तक? आज तारवा 16 अध्याय के हमने संकेत ले लिया। हर अध्याय संकेत देता है और संकेत बड़े थोड़े शब्दों में होता है, वही उसका सार का भी सार आ जाता है। जैसे दूध का सार मक्खन, मक्खन का सार घी, इस तरह ये घी रूप में हमारे सामने रख देता है तो हमें भरी प्रकार पता लग जाता है। ये जितनी मैंने पुरुषार्थ किया और आपको बताया, इसलिए एक आदमी में बैठ के सोचना पहले अध्याय का सार, दूसरे अध्याय का क्या, तीसरे अध्याय का निष्कर्ष या संकेत क्या है, इससे हर अध्याय का ज्ञान हमारे मनो में बैठता जाएगा। गीता चाहती है कि हम उस पर बार बार मनन करें। ज्ञान मजबूर करता है जिज्ञासु को, वो मनन करे, बैठ के सोचे, ताकि जो संसार हमने मनन किया वो हमारे अंदर से निकल जाए। सुनो मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, संसार का हमने बार बार मनन किया ना, अब वो हमें छोड़ दे, ये तब भी मुमकिन है जब हम भगवान के बारे में, भगवान के ज्ञान के बारे में मनन करें। वाह शाबाश, अब वो मनन बार बार ही मनन करें तो इस मन में इतना रस आएगा कि वो झूठा रस निकल जाएगा। चलो 17वें अध्याय में, 17वां अध्याय है, इसके शुभ नाम है श्रद्धा त्रिय विभाग योग। तीन प्रकार की श्रद्धा का इसमें वर्णन है। 17वें अध्याय में तीन प्रकार की श्रद्धा का वर्णन हो चुका है। अब इसका सार क्या महापुरुष बताते हैं, आखिर में जाकर इसका सार बताया गया। 17वें अध्याय का शुरू में भी इसके बारे में अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग सार दिए हैं। मुझे तो दो बहुत अच्छे लगे हैं। एक तो ये अकीदा ही हिंसा की तस्वीर है। क्या मनुष्य विचारों का पुतला है? जैसे जिसके विचार हैं वैसे समय लेना चाहिए। ध्यान देने में मैं प्रकाश डालूं, हमारा मनोविज्ञान यहीं से शुरू हुआ है। दुनिया भर का मनोविज्ञान हो सजनों देवियों, यहीं से शुरुआत। क्या जैसा सोचोगी वैसा बनोगे, बिल्कुल ठीक। हम जिस प्रकार का विचार बार बार मन में ला रहे हैं उसी के संस्कार अंकित होते जाते हैं। काश के शुरू में हमें ये बीज डाला जाता कि हम केवल भगवान के संस्कार डालें, प्रभु के बारे में चिंतन करें। हमने शुरू से ही माँ बाप की नकल करके, इर्द गिर्द की नकल करके जहान के तरफ भाग चले, और जहान में तीन ही विषय कंचन कामनी कीर्ति है। जहां में ये तीन विषय है ना, वेल्थ वोमन और तीसरा मान बढ़ियाई जो है प्रेस्टीज, इन्हीं के बारे में हम लोग लगे रहे, इन्हीं के बारे में हम लोग गहराई में उतरते गए। तो हाल क्या हुआ आपके सामने है, बेचैनी बेकरारी। तो इंसान क्या गए, हम समझते थे इंसान हाड़ मास चाम का पुतला है। ओ मेरी देवी मेरे सजनों, अब पता लग रहा है इंसान हाड़ मास चाम नहीं, इंसान विचारों का पुतला है। चीजें अपने आप को करेक्ट
मैं और आप विचारों के जीव है, और विचारों से ही क्या होता है, चलो विचारों तक रह जाती बात, कोई नहीं ध्यान देना। सार्वजनिक संकेत क्या है, इंसान विचारों का पुतला है। बस अब उसने ये सोचना है कि मैं वो विचार करूं जिससे मेरे जीवन के चार दिन आराम से कट जाए। अच्छा, मतलब सतोगुणी विचार करूं, रजोगुणी तमोगुणी नहीं। या भगवान ने सृष्टि एक गुण से बनाई होती, गुणी सुनिए, सृष्टि तो तीन गुणों से है। सतोगुण का अपना प्रभाव होता है, मैंने बताया, सतोगुण बढ़ जाए तो भगवान की ओर झुकता है मन, रजोगुण बढ़ जाए दहान की ओर झुकता है, तमोगुण बढ़ जाए बदकिस्मृति से तो बिल्कुल मूर्खता की ओर झुकता, हराम की ओर झुक जाता। अच्छा, अपवित्र खाना, अपवित्र पीना, अपवित्र इरादे और अपवित्र या अशुभ विचार। अब जैसे हमने सोचा स्तर में रह के संकेत लिया, मनुष्य विचारों को पतला, बस इतने में बात खत्म हो जाती नहीं ना। सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बार बार विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसे कर्म हो जाएंगे, ये प्रकृति का अटल नियम। आप जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, आपके कर्म आपके विचारों के अनुरूप होते हैं, पता है आपको, आप जानते हो सज्जनों। सिर्फ ये नहीं कि हमारे सीने में, हमारे जिगर में, हमारे मन में विचार ही उठते रहे बड़ी मौत की बात नहीं ना, जैसे विचार वैसे कर्म, चलो कोई बात नहीं वैसे कर्म हो पर नहीं ना, वैसे कर्म बार बार होंगे। है एक प्रकार का आपने कर्म किया, चार पांच दिनों बाद वो कर्म फिर रिपीट करेंगे, फिर पांच छह दिनों के बाद वो कर्म फिर होगा। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, वो कर्म बार बार करने से आदत बन जाएगी। अरे पर मेरे अमार खाली इंसान ने, वो सुनो गीता की रास की बातें, वो सुनो मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, गीता कैसी हमें सियाना बना देती है, हमें बहुत अच्छा बना देती है। वही गीता के बिना मिट्टी पलीत है हमारी, इंसान को इंसान कहने नादानी बेवकूफी मूर्खता है। जब तक ये ज्ञान न पल्ले हो, हम लोग वो इंसान बनेंगे जैसे मैन विदाउट ब्रेक। अगर भगवान का ज्ञान नहीं तो मैन विदाउट ब्रेक, साइकिल की ब्रेक है, हर व्हीकल की, हर वैन की ब्रेक होती है। लेकिन ज्ञान न पल्ले हो तो आज के नर नारी देख लो, मैन एंड वुमन विदाउट ब्रेक, जो मन में आया कर गुजरती है, काम आया काम ही बन गया, क्रोध आया क्रोधी बन गया, मोह आया मोही बन गए, लोभ आया लोभ को है ब्रेक, हंकार आया हंकारी बन गए, खाने का दिल किया तो कुछ चीज बनाने लग गए, पकौड़े ताल लिए, कभी समोसे ताल लिए, कभी पूड़े ताल लिए, वाह यू की बात है, कभी केले खा लिए, कभी संतरे खा लिए, फ्रिज में बहुत सी चीजें पड़ी हैं, ये तो कोई बात न बनी, ये तो फिर इंसान किसी काम का ना हुआ, ब्रेक ही ना हुई। अभी मुझे घंटा ही नहीं गुजरा मैंने भोजन किया है, और अभी मैं बैठ के फल खाने लग गया, चलो फल खाए मुझे अभी तो 20 मिनट हुए हैं, वही मैंने संतरा फिर छील लिया, अभी संतरा मैंने खाया, फिर मैंने वो गुलाब जामुन निकाल लिए। ये इंसान, कभी मैं कोई सोच रही हूं, कभी मैं किसी प्रकार के विचार कर रहा हूं, इस तरह विचार करते हुए कर्म होते हैं। कर्म होने से एक कर्म नहीं फिर कई प्रकार कर्म हो गए, आदत बन जाएंगी, और चार पांच छह सात आठ आदत का नाम ही करेक्टर है, चरित्र है। जब कहते हैं इसका करेक्टर खराब है, मतलब इसका इसकी क्या आदत खराब है, जब कहते ये तो करेक्टरलेस है, इतने कहने से क्या बन जाएगा, इसका अर्थ समझाया करो, करेक्टरलेस का मतलब इसकी आदत गंदी है, क्यों आदत, इसके कर्म गंदे हैं, क्यों इसके विचार गंदे हैं, क्यों ये जन्मों से संस्कार गंदे लेके आई है। अब बात बनी ना, इसके बैड इंप्रेशन है, बुरे संस्कारों से बुरे विचार, बुरे विचारों से बुरे कर्म, बुरे कर्मों से बुरी आदत, बुरी आदत से चरित्र हमारा अशुभ। चलो अच्छे चित्र हमारा गंदा होगा, पर थोड़ा फिर क्या, तीन प्रकार के लोग, जिसका चित्र गंदा है, कैरेक्टर गंदा है, तो क्या होगा, आधी व्याधि और अब ना दिन में चैन ना रात आराम। यही आपके भगवान कह रहे हैं, क्या क्या गम बेहिसाब उनको दिन, कहां पटका ये, मैं कहां मरा,
ये इतने दुखों के अंदर शारीरिक दुख आ गए, मानसिक दुख आ गए, पारिवारिक झगड़े फसाद ये रड़क के खा गए। इंसान कहीं का ना रहा मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण करने देवियो, दुखों में क्या रब ने हमें दुखी होने के लिए पैदा किया? नहीं। तो आज कितने नर नारी रो रो के दिन कट रहे हैं, रो रो के थोड़ा सा मन को खुश करने के लिए मनोरंजन, चलो सिनेमा चलिए, तो सिनेमा मनोरंजन तो हो गया, लेकिन गंदी आदत लेके आए, गंदे गीत लेके आए, वहां जो गीत पसंद आया हम जो है बाथरूम में बैठे गा रहे हैं और बर्बादी ला रही है। हमें भी कोई याद करता तो कितना अच्छा होता, तेरा बेड़ा गर्क होता। ये बैठे बाथरूम में गा रहे हैं, शाबाश, कपड़े धोई जा रही है, साथिया तेरे बिना जिंदगी न कटे, फिटे लानत। अब मनोरंजन भी ऐसा जो कैरेक्टर और बर्बाद करेगा, विचार और गंदे हो जाएंगे। मनोरंजन होना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। आज के मनोरंजन ही कितने गंदे हैं, टीवी खोल ली, टीवी में नाचो गाना देखने लग गया और गंदा प्रभाव पड़ा। हाय, मनोरंजन मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी अफर्मेटिव, मस्ट बी फ्रूटफुल, मस्ट बी यूजफुल। हाय के मनोरंजन भी कितने गंदे, आप पतास खेलिए, आप पर लूडो खेलिए, तू सीढ़ी चढ़ गई तो मैं सबसे गिर के नीचे आ गया। मनोरंजन भी क्या गंदे गंदे गए। दया करो मेरे प्रभु, दया करो। इंसान को ये नहीं पता मैं ऐसा मनोरंजन करूं, इसको मनोरंजन कहेंगे? मनोभंजन, रंजन नहीं कहना चाहिए, मनोभंजन। मन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये तो बर्बादी मच जाएगी, इंसान अपना बुरा हाल कर लेगा। उनको दया, दुनिया उनकी है, मैं तो गीता के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। तो सर्वाध्याय इशारा करता है क्या, भगवत संबंधी विचार कीजिए। आहा, दो प्रकार के जहान में विचार है, जगत संबंधी विचार और भगवत संबंधी विचार। सुनो नेक जीवो, ओ नेक भोली भाली मेरी देवियों, दो प्रकार की विचारधारा है संसार में, दो प्रकार की विचारधारा, भगवत संबंधी विचारधारा। एक विचारधारा मीरा जैसी है, मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई दे, एक ये विचारधारा है। और दूसरी ये विचारधारा है, आहे ना भरी शिकवे ना किए, कुछ भी ना जबा से काम लिया, इस पर भी मोहब्बत छिप न सकी, जब तेरा किसी ने नाम लिया। एक ये विचारधारा, मैंने बहुत छुपाया अपने प्यार को, लेकिन जब तेरा किसी ने नाम लिया मैं पिट उठी, मैं रो उठी। लो एक ये विचारधारा, एक भगवत विचारधारा और एक जगत विचारधारा। जगत विचारधारा से मैं अभी कह रहा हूं तीन प्रकार के क्लेश मुसीबतें पैदा होती है, और भगवत विचारधारा से विवेक मिलता है, वैराग मिलता है, भक्ति मिलती है, इनाम में या पुरस्कार में है। सोचो मेरे देवियो, और इस जन्म में तर जाओ, तर जाओ मेरे बुजुर्गो, ओ मेरे भाइयों और जवानों, तर जाओ इस जन्म में तर जाओ। मैं बड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं अपने भगवान के ज्ञान को। सार्वजय का फरमान सिर आंखों पे रख ले कि नहीं, कोई भी क्रिया अच्छी लगती है, कैसे पता लगे ये क्रिया अच्छी है या बुरी, उसका परिणाम देखो। सुनो ना मेरी बेटी, क्रिया तू अच्छी कर रही है या बुरी नहीं पता लगेगा, जब इसका परिणाम निकलेगा तब पता लगेगा। हमारा बच्चा पढ़ता रहा या नहीं, रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने दो। नाई आया, हजामत करने लगा, क्यों भाई नाई? हाँ, मेरे बाल कितनी है बहू जी, दो मिनट तो सबर कर जाओ यार, बता रहे मेरे बाल कितने कितने हैं। अरे भाई क्यों बे सबर हो गए हैं, अभी मैं कैंची हाथ में लेता हूँ, सरकार तुम्हारी झोली में गिरने वाले हैं, मेरे बाल कितने हैं तुम्हारी झोली में गिरेंगे, तुम्हें पता लग जाएगा बाल छोटे हैं कि बड़े हैं। ये कर्म कैसे गए, अभी रिजल्ट आपके सामने आने वाला, अब रिजल्ट सामने आएगा। हमारे उधर लालपुर में बड़ी कहावत थी, वह घोड़े बिकते थे, उन दिनों घोड़े का रिवाज था, टांगे में जितना गए या घर में घोड़ा, वो साइकिल तो इतने चले नहीं थे, तो घोड़ा घोड़े पाले जाते थे। तो घोड़ा अच्छा है या बुरा, तो कहते चलो मैदान में ले चल, घोड़ा बेचना कहना मैदान में ले चल, तू साचे बता, तू जो घोड़े को रखा है और तू बेची रहा है, घोड़ा तेरा कैसा, फिर मैं अपनी जबान से कैसे कह दूं, तू विश्वास करेगा?
फिर भी यार तू बता देना घुड़कर मैं ले रहा हूँ, बता तो सही। अरे भाई क्यों भोले बनते हो, अपनी दही को कौन कहता खट्टी है। मैंने घोड़ा बेचना है तो फिर घोड़ा भी नेड़े थे मैदान भी नेड़े, ये कहावत थी। घोड़े पलाकी मार के चढ़ जा और मैदान में चक्कर दे, घोड़ा अड़ी ना करे जाए तो घोड़ा शानदार, अगर बार बार अड़ी करे तो घोड़ा धेले दा खोटा, किसी काम दा नहीं। तो कहावत क्या थी, घोड़ा भी नेड़े थे मैदान भी नेड़े, मैदान में चक्कर दे के देख ले, भगा के देख ले। इसलिए कर्मों के परिणाम से पता लगता है। हमारे देश में मशहूर है, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। जिन्हें हमारे कर्मों का फल देना मेरे सजनों, ओ मेरी गीता से प्यार करने वाली गीता अनुयायी मेरी देवियों, क्या कमाल कह रहे मेरे प्रभु। इंसान विचारों का पुतला है, इंसान हर बादशाह का पुतला नहीं, हम शक्ल के पुतले नहीं, लेकिन इस शक्ल के अंदर क्या गए, आहा आहा विचार क्या है। हमारे देश में कहावतों में ये कहावत आपने सुनी, क्या 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 क्या, नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाय 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 हाय, अगर आपने नकल ही मारनी है तो अकल चाहिए ना। अकल का मतलब क्या उचित है, क्या अकल का अर्थ समझ लो गीता जी से। अकल का मतलब क्या, बुद्धि, उर्दू में अपनी भाषा में कहेंगे बुद्धि। तो बुद्धि का मतलब क्या, करना है क्या और न कर, उचित क्या अनुचित क्या, वाजिब क्या गैर वाजिब क्या, प्रॉपर क्या इम्प्रॉपर क्या, रवा क्या और ना रवा क्या, इसी को अकल कहती है, बुद्धि कहती है, इंटेलेक्ट कहती है। कहते इससे तो बुद्धि कोई नहीं, ऐसा बुद्धि मारी हुई आजकल अंग्रेजी में चल पड़ा, इसके कोई ना बुद्धि का सक्रिय ढीला होया पे, कोई पुर्जा ढिल्ला है, मतलब क्या बेअकला है, इसको समझ ही नहीं क्या करना है क्या और न करना है क्या। ये पता है वो इंसान बुरी तरह मारा गया जिसको ये नहीं पता इंसानी रूप में उचित क्या है। और गीता ने कितना विस्तार से बताया है, शारीरिक रूप में उचित क्या है अनुचित क्या है, मानसिक रूप में उचित क्या है अनुचित क्या है, बौद्धिक रूप में उचित क्या है अनुचित क्या है, पारिवारिक रूप में उचित क्या है अनुचित क्या है, है सामाजिक रूप में उचित क्या है अनुचित क्या है, और परमार्थिक रूप में मुझे क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। भगवान जी ने बड़ा विस्तार किया है और यहां तक भगवान ने बता दिया क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सतगुणी खाना क्या है, रजगुणी खाना क्या है, तमगुण पड़ा के नहीं। ओए बाबा ओए, खाना भी तीन प्रकार का और उनका परिणाम भी बताया। सतगुणी खाने से इंसान प्रसन्न रहेगा, सेहत रहेगी, रजगुण से हलचल रहेगी, बीमारी लग जाएगी, और तमगुण से इंसान बिल्कुल ही गंदा। भगवान के तमगुण की बात मत मत पूछो, तमगुण पीना गंदा खाना गंदा, मासी खाता है जूठी खाता है, ऐसा इंसान जो फिर यहां तक भगवान ने कहा जो खाना है गंदा है गंदों का है, जो गंदे इंसान है ये गंदे खाना वही खाते, बकरी खा गए मुर्गा खा गए है गए। आज का इंसान चलती फिरती कबर है जिसके अंदर कई बकरियां मरी पड़ी हैं पेट में, कई जो मरे पड़े हैं जो है ये आपके मरे पड़े सुअर मरे पड़े हैं पेट में, पेट एक कबर है जिसमें कई जी मरे पड़े हैं, जिस जिसका मांस खाया है वही अंदर मोया पड़ा है। शाबाश, गीता ने तो बड़ा विस्तार कर दिया। अब हमारा धर्म है गीता जी से उचित अनुचित जानकर अनुचित के निकाले उचित को रख ले। एक आजमा के देखिए फौरन समाधि लग जाएगी। अगर आप उचित अनुचित को जानकर अनुचित को निकाल डाले और उचित करने लग जाए, ख्याल उसके बस में मन में विजा, संसार संबंधी संकल्प विकल्प मेरे सजनों ओ मेरी कल्याण चाहने वाली देवियों खत्म। तो जीव जीव भगवान के जात में तलीन, मालिक हमारे अंदर कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, फिर इतना अनुभव क्यों नहीं होता, हम उनमें तलीन क्यों नहीं होते। भगवान कहते पुत्र देर तू कर रहा है, तू इस दुख भरे संसार से अपने आप को निकाल क्यों नहीं लेता, अजमा के देखो ना जरा। जब हम मालिक से पूछते मालिक कहते बेवकूफ ये सवाल मुझे करना चाहिए तेरे से, जब मैं तेरी आत्मा तेरी नियरेस्ट हूं डियरेस्ट हूं, जब भगवान हमारे निकटतम और प्रियतम, दो शब्द पकड़ो निकटतम और प्रियतम है, फिर क्यों अनुभव नहीं करते। हमारा नलायक और मूर्ख मन संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन ही नहीं छोड़ता, इनकी ममता ही नहीं छोड़ता।
जैसे कोई नालायक लड़का पत्नी के होते हुए किसी और से प्यार करने लगा है। हाँ, अब वो बार बार ये नालायक कर रहा है तो शादी कर लेना, क्योंकि शरीर के प्यार का उद्देश्य क्या शादी, तुम्हें शादी करना। कोई मैं तो शादी करने को तैयार हूं, वो जो तेरे पहली शादी की है उसे तलाक लेना, उसको छोड़ और जो है अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कचहरी के बना, नहीं तो दोनों घाट के लगती हूँ भी, और मुझे दोनों घाट के लग जाएगी अगर बिना तलाक दिए और बिना गवर्नमेंट से आगे दिए। हमारे गवर्नमेंट ये नहीं मान चुका, तो तूने मैं तो तैयार हूं तेरे घर में आने के लिए, पर तू पहले से खरासी पा। बिल्कुल यही हाल, अगर हमने नहीं अनुभव किया तो हम सबका है, हम उन गंदे ख्यालों से खलासी पाए तो मालिक में तलीन हो जाए। अजमा के देख लो, दसे नई चहेती ने कहा तू पुरानी से दामन बचा, मैं तेरे घर में आई 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 आई, तू उससे दामन बचा। ठीक कहती है तू, स्त्री भगवान कहती है नालायक तू उन गंदे विचारों काम ठंडी को संधि, इनसे दामन बचा, और उसके बाद कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। हर मेरे बच्चे को आजमाना चाहिए, हर मेरी कल्याणकाम देवी को आजमाना चाहिए। ये तो दुख भरे विचार है, प्लीज विथड्रॉ योर माइंड एंड डिपॉजिट योर माइंड इन पॉजिटिव थॉट्स। अरे पर मेरी कितनी मौज की बात, कितनी मौज, जीव कितनी जल्दी सुधर जाए कि मैंने इनसे दामन बचाना है, बचा लिया, चलो लगा तलीन हो जाओ। कहीं भगवान के लिए तो धक्के खाने वाली बातें हैं, मैं उधर हुआ मैं उधर आया हूं। और करना क्या होता है, पहले हम तीर्थों पे जाते थे, कोई अनुभवी होते थे, अनुभवी हमारे अंदर कोई ना कोई ज्ञान डालते थे। आज क्या है, आज सिर्फ सैर सपाटे, घर से तंग आए होते हैं, कुछ बहन बहू ने सुनाई होती है, कोई सास ससुर ने सुनाई होती है, वह एक सैर सपाटा। परमात्मा के सब आकर घूमना फिरना, ये जो बाहर निकलना सैर सपाटे रह गए, तीर्थ यात्रा गई, आजकल तो सैर सपाटे रह गए। चलो चार दिन हवा खोरी कर आएंगे, फिर पिटे मुंह, आजकल क्या हवा खोरी कर रहे हो, डॉक्टर साहब भी कहने लगे हवा खोरी कर रहा, थोड़े से बाहर की हवा बदला, चूंकि हमारे की हवा में कोई गड़बड़ा तुझे ठीक नहीं हो रही। लो अब वो बातें कहां रही, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर डालेगा। आज अपने मन को समझाए क्या अनित्यम आसुखम, रहे हम दुनिया में, वह दुनिया ना हमारे अंदर आ जाए, दुनिया तो हम बुला, दुनिया नहीं आती, दुनिया को सुख भरी समझकर हम बुलाते हैं, दुनिया अपने आप नहीं आती पुत्र, दुनिया को सुख भरी समझा जाए। आप कुत्ता तो बैठा होता परे, हाँ हम पुचकारते हैं, हम पुचकार के कालू 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 भागाएगा, कालू अपने आप काल तो लीट रहा था, हमने कुछ डबर रोटी या अपने क्या रोटी थी ये बिस्किट फेंके, कालू भाग के आ गया। दुनिया तो अपने में मस्त थी, हमने सुख दृष्टि बनाई, बड़ी अच्छी है, कालू 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 आ जा आ गई, डिग्री भी आ गई, नौकरी भी आ गई, पत्नी भी आ गई, पति देव भी आ गए, हमने बुलाया आजा आजा आजा, कालू 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 काली 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 आजा, रब्बा मेरा हमने बुलाया। इसे बोलते हैं उर्दू में यकतरफा मोहब्बत, एकांकी प्रेम, वन साइडेड लव। दुनिया भर से प्यार नहीं करती, हम दुनिया को प्यार करते हैं। यकतरफा कभी विचार करना बेटे, एक आंगी प्रेम, एक आंगी, एक तरफ से मोहब्बत हो रही है दूसरी तरफ से नहीं। वो तो दुनिया से कोई प्राणी पदार्थ हमें नहीं चाहता, वही डिमांड दी वर्ल्ड, वर्ल्ड डज नॉट डिमांड अस, जरा सोचना रो पड़ना, वही डिमांड दी वर्ल्ड, वर्ल्ड डज नॉट डिमांड अस। हम दुनिया पे लट्टू होती है, दुनिया हमारे पे लट्टू नहीं होती, हम दुनिया को चाहती है। ओ गुरदित्या बैठे, गुरदित्या जी जब पत्नी तुझसे लड़ पड़ती है क्या कहती है, अगर दित्ता अपनी शर्म उतारे तो आके बोले बाबा तू ही बोल दे, क्या कहती है, जब मेरे से बहुत लड़ पड़ती है ना, कहती मैं गई थी बरात लेके, तू बरात लेके आया था विशर्मा, तू जो लेने आया था इतने बरात लेकर के, अब तू लाई थे आदमी लाया, अपने प्यो नु लाया, मां नु लाया, मैं गई थी, मैं तेरे मिनते की थी तू मुझे ले जा, फोन निभा मेरे नाल, गलना कर दाते आए मर जाना कहीं का, ये घर वाली कह रही, कितने ताने मारते हो, मैं गई थी बरात लेके, तू आया था बरात लेके, मैंने तुझे बुलाया था, तेरे पात्र के तेरे में टेलीफोन किया था, कहने टेलीफोन किया था, तेरे मैंने वायरलेस की थी, नहीं मैं आया था, फिर मैं आया था, फिर निभाना क्यों नहीं, हाय
देखो एक एक चीज कह रही थी आपको, आप ही आए थे, हम तो लगे थे। यकतरफा मोहब्बत, इसे बोलते हैं एकांत की प्रेम। और एक बार इसकी असलियत देखो, इसकी असलियत क्या है, इसके साथ व्यवहार करेंगे, इस पर डिपेंड नहीं करेंगे, बस जीव के इस संसार, सुनो एक बात भगवान जी की, संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद, तो विचार संबंधी विचार, भगवत संबंधी विचार रह जाएंगे, तो मन एक जगह आ गया। एक बार ये करके तो देखो, मेरी बेटी रोज सत्संग में आती हो, एक बार ये करके देखो, केवल भगवत संबंधी विचार, जैसे शादी के बाद केवल एक पुरुष का विचार, यही मेरे प्राणनाथ, यही मेरे जीवन आधार है, इन्हीं के साथ मैंने जिंदगी काटती है, यही मेरे सुख दुख के साथी है, बार बार उसी एक का। हाँ कौन नहीं निभा सकती अपने शादी के बाद, जो किसी और पुरुष का ख्याल करती है, जिनके माँ बाप ने जबरदस्ती क्या मुक्के मार के भेजा होता है, उनका नहीं दिल करता, चुके शादी तो मन का विषय है, शादी तन का विषय तो नहीं। मन मन जाए तो सारी जिंदगी काट लो, मन ना मनने तो एक दिन नहीं कटिया जाता, कहावत सुनिए आपने, मन टप जाए तो समुंदर, ना टपे तो घर की नाली भी नहीं टपी जाती, सुना कभी, टप जाए तो समुंदर और ना टपे तो नाली भी नहीं टपी जाती। हाय हाय हाय, मन कटे तो सारी जिंदगी किसी के साथ काट ले, और ना दिल मिले तो एक दिन भी नहीं कटिया जाता, एक दिन भी नहीं। माँ बाप ने जबरदस्ती की, उसकी बड़ी उम्र थी, हाँ माँ बाप ने भेज दिया, लड़की की उम्र मुश्किल से कोई 28-30 साल के, हाँ तो उसकी 48-49 साल की थी, बड़ा लड़के होकर मैंने मुझे ना भेज, माँ मुझे ना भेज, तुम भी क्या करे, तुम भी सेकंड है, वो भी सेकंड है, अब जाके दिन कटो, मैं कहां बिठाऊ, मेरे काल मर जाना तो बाबियां तेरे दिन कटेंगी, मजबूर हो गई, गालियां दी गई। अब दिन आ गया, वो भी आ गया, उसके साथ लगा फिर दिए गए, और पीछे कपड़ा बांधा गया, अब वो भेज रही है, जोर की रोई दी, बड़ी जोर की रोई, बड़ी रोई, माए तो मुझे भेज रही है, अच्छा मन समझा लेवंगी, कबोदे दिल लगदा लगदा लग वैसी, जब मैं इनके नाल जावांगी, इनके घर में बैठूंगी तो दिल लग, ध्यान सुनिए, दिल लगदा लगदा लग वैसी, 2 महीने में 4 महीने में साल में लग जाएंगे, 2 साल में तो भेज दे, भेज दे मेरी भाभियों, भेज दो मेरे भाइयों, भेज दे मेरी अमड़ी, भेज दे, दिल लगदा लगदा लग वैसी। मानक चुभी बात, भाई को भी चुभी, भाभी को भी चुभी, फिर दलील के बाहर निकली, अच्छा माँ दिल लगदा लगदा लग वैसी, फुट फुट के रोई, बड़ी दिल लगा थे बुढ़ा मर वैसी, हाय मेरा याद, मेरा दिल लग रहा थे मर जाने। अब तो सारों ने बगावत कर दी, नहीं खोजा दागा, क्या मतलब, बिल्कुल ठीक है, जब ये दिल लगा के तू तो जावेगा मर, तुम्हारी ती फिर विद्रोह के आ जैसी, दिल लगदा लगदा लग वैसी, दिल लगा तो बुढ़ा मर वैसी, तो फिर मैंने फिर आ जाने, यही ख्याल हमारे मन का है, लगदा लगदा लग वैसी, दिल लगा तो पदार्थ मर वैसी, ना वो प्राणी रह रहा, ना वो पदार्थ रहना है, ना वो एटमोस्फियर रहना है, क्यों, तुझे दुख की दुनिया आई फानी मिली, वाह मेरे कृष्ण जी वाह। एक बार आजमा के तो देखो, वे करो व्यवहार हर एक के साथ, पर डिपेंड ना करो, डिपेंड ना कर मेरी बेटी, डिपेंड ना करो, उधर देखो आपके कृष्ण क्या कह रही है, ताल्लुक से पैदा जो होता है उसी से प्रगट हूं आखिर में दुख, उसी से प्रगट जाती है, बदलती है, और सियाने बने से इतना दुनिया में रहना पाप नहीं, गृहस्थी बनना पाप कोई नहीं, इनका चिंतन करना पाप है, इनके बारे में विचार करते रहना पाप है, विचार तो भगवान का करना था, भगवान के ज्ञान का विचार करना था, हम इन राग भरी द्वेष भरी विचार कर लेते हैं, जिससे हमारे मन में हल चल मच जाती है, वो नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, यही से बर्बादी होती है, लगाए जो महसूस अशिया से, यही मन उधर लगना था मनमोहन में, लगा लिया उसकी चंचल दुनिया में, हटा के देख लो तलीन हो जाते हो कि नहीं, जरा हटा के आजमा के तो देखो ना, मेरी बेटी मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी हो, आजमा के तो देखो, क्या मैं संसार संबंधी विचार हटा दूं, जरा देखो क्या अवस्था क्या बनती है, मैं आपके पास हूं तो मैं किसी सम्मेलन में नहीं बुलाया गया, मैं तो आपकी बिगड़ी बनाने, आपको गीता याद करवाने, गीता आपके मन में बिठाने आया हूं, एक भगवान के ये फरमान आजमा के तो देखो, ख्याल उसके
मन में विषाद, जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प खत्म हो जाती है, मन भगवान की जात में तलीन। भगवान में तलीन होने के लिए कोई दिल्ली जाना है, कलकत्ते जाना है, बम्बे जाना है, कोई वृंदावन जाना है, नहीं परमात्मा की कसम कहां जाना है, अपने में गोता मारना है, अपने में ही तलीन हो जाना है। कितने मन ने, पर यह कब तलीन हो, जब इधर से मन तोड़े, इधर से हटे, वे बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी। इधर से कब हटे, जब अनित्यम असुखम को पक्का करे, अनित्यम असुखम, ये चीजें अनित्य दुखदाई है। बस मन में ये बात गई और मन ने इससे दामन अपना बचाया और लगा भगवान की याद में। हाय सतारवां अध्याय आपको दे रहा है, मनुष्य विचारों का पुतला है। अब ये समझाना था माँ ने, बाप ने या ब्राह्मणों ने, हमारे गुरुओं ने, क्या मन में सदा भगवान के विचार करो, और भगवान के विचार के लिए भगवान का ज्ञान चाहिए। भगवान के विचार के लिए क्या, जैसे माँ करे, ओए जी प्यो तेरा पल्लेदार बन, नहीं मंडी में जाके बोरियां उठानी है, नहीं नहीं। माँ ने बच्चे को कहा तो फिर क्या कर, नहीं मैं अच्छी नौकरी लूंगा, तो नौकरी के लिए स्कूल जाया कर। अच्छा माँ, तो अब चिंतन के लिए क्या, भगवान का चिंतन करो। कैसे, भगवान का ज्ञान से, भगवान की ज्ञान से भगवान का चिंतन, तो भगवान का ज्ञान गीता से, गीता से, गीता से। पुत्र पढ़े आकर, जरूर मां पढ़ाई के लिए स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। हाय भगवान के चिंतन से भगवान का ज्ञान, भगवान के ज्ञान के लिए गीता अपनाओ, गीता अपनाओ, गीता। यही मैं कहने आया हूं आपको, यही समझाने आया हूं बेटी, या आने से पहले कंघी मार के आया करो, ताकि एक एक बात आपके अंदर बैठ जाए। हाय जैसे पढ़ाई के लिए बच्चे को स्कूल चाहिए, हाँ भगवान के चिंतन के लिए भगवान का ज्ञान चाहिए, भगवान के ज्ञान के लिए भगवान की गीता चाहिए। अपनाओ भगवान के ज्ञान को, भगवान जो फरमा रहे हैं, प्रभु का चिंतन शुरू, कल्याण, थोड़ी सी जिंदगी मांग के लाया भगवान से, इस तरह का। यही मैं रोता हूं, चाहे मेरी इतनी बड़ी बुरी बुढ़ा हो गया हूं, रोता हूं। दादा जब जी पैदा हो रहा था, आपने उसके कान में ये फूंक देना था, थोड़े दिनों के लिए मैं तुझे अपनी दुनिया में भेज रहा हूं, मेरी दुनिया में जाकर मेरा ही चिंतन करना। चल रब ने नहीं कहा, इसलिए हम नलायक और मूर्ख बन के दुनिया का चिंतन करते रहे। मां को बड़ा शौक, मैं बताऊं घर की बातें फोड़ू, बार बार मां अपने जो है सामने बिठाकर, तेरी अम्मा कौन है, काका काका तेरी अम्मा, कितना शौक मां बाप को, ये नहीं तेरा भगवान कौन से, कोई नहीं डटाया, तेरी अम्मा कौन है, पुत्र मेरी बात सुन ना, सुन हाँ, तेरी अम्मा कौन सी है, मेरी अम्मा, हाँ बच्चा रिड़ेगा, रिड़ के ऐत छाती पर हाथ रखेगा, आ मेरी अम्मा, मेरा पुत्र कह रहा है मेरी अम्मा, ले इसी से मेरी मां ने स्वर्ग मिल गया, अपने सीने पे हाथ रखवा के। बच्चा बार बार के ए मेरी अम्मा बोल भी नहीं सकता बच्चा, ए मेरी अम्मा, फिर कहे ए मेरी अम्मा, ले ये मेरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के रहने वाले निवासी जो ये कहलाने में खुशी समझती है, ए मेरी अम्मा। अब यही रब समझाता कि जा मेरी दुनिया में, और ये कह के आए मेरे सर्वव्यापी परमात्मा, ऐ मेरे ज्ञान देने वाले परमात्मा, ऐ मेरे अवतार लेने वाले परमात्मा। ये अब रागे तेरी बहन कौन सी है, वो बार बार तो मेरी बहन है, लो इसी में बहन को खुशी हो गई। और नेक जीवो आओ अब ये सीखे क्या, तो एमेव सर्वम मम देव देव, हो मेरी मालिक तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरी माँ की जान, पिता की जान, बहन की जान, भाई की जान। अब विचार की जाएंगे भगवत संबंधी विचार, सतारवें अध्याय का संकेत, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। सुनो मेरी नेक बेटियों, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। मेरी और आपकी पिक्चर क्या है, मेरा आपकी फोटो क्या है, ये नहीं जो ये नजर आ रही है, मेरी और आपकी फोटो वो है जो हमारे अंदर बीत रही है। मैन इज माइंड नॉट मैन इज फेस, हम चेहरा नहीं है, हम वो है जो हमारे अंदर विचार उठते हैं। इसलिए तो क्या चेहरों के कारण से कहता है,
क्या कोई खूबसूरती कारण से कहता है ये कहावत, आदमी आदमी में अंतर, बोलो, कोई हीरा कोई कंकर, विचारों के कारण से, आदाब के कारण से, इरादों के कारण से, हाय कोई गधे जैसा इंसान है और कोई रब्बी रूप बना फिरता है, ओए होए होए होए, कोई गजब का इंसान है, कमाल कर रहा इंसान, देखने में दोनों इंसान है लेकिन एक रब दा रूप है, एक क्या आवारागर्दी करके तबाह हो रहा है, खराब हो रहा है, विचारों में फर्क है ना, एक ही विचार बड़े गंदी है, एक ही विचार बहुत ही चोटी के है। यही सतारवां अध्याय में संकेत कर रहा है, भगवत संबंधी विचार करके तर जाओ। बेटे मैं क्या बोल रहा हूं, भगवत संबंधी विचार, जगत संबंधी नहीं, जगत में तो रहना था उसको सीने में नहीं लाना था, ये नहीं पता लगा, जगत में रहना था, जगत के प्राणियों को पदार्थों को अंदर नहीं लाना था। हाय, जैसे यहां पर सारा दिन कभी देखो क्या, उधर भैंस चल रही है, गैया चल रही है, कुत्ते बैठे हुए हैं, छोटे छोटे गुल्लर हैं कुतिया के, वो परे बैठी हैं। हाँ, कभी भेड़ों वाला कितनी भेड़े लेके मंडी में ले जाता है, लेकिन ये क्या जंगल में से गुजर के जा रही है, मंदिर में तो कोई नहीं जाती है, कोई भैंस कोई कुत्ता कोई, ये अंदर तो नहीं जाते, जखीरे में से गुजर के बाहर निकल जा रही है। इस तरह ये गंदे विचार संसार संबंधी हमारे कान से गुजर के निकल जाते, हाय रब्बा हमने इनको अंदर रख लिया, या इंसान ने कितनी भूल की, क्या जखीरे में पशु चरते रहे कोई बात नहीं, पर मंदिर में अंदर जाकर गोबर करे पेशाब करे, गंदी बात हो गई ना। कोई छकड़े वाला आता है, कोई आप आटा दान करते हैं या कोई खांड दान, तो छकड़े पर आएगा, घोड़ा जूता होता है, पहले गिर गए, भाई अंदर कभी गलत, एक मिनट बाहर रखो, मैं हमारे पास रेडी है, रेडी में डाल दे है, ये जो घोड़े पेशाब कर देना फिर बंद ही नहीं करता, आधा घंटा पेशाब फटाफट निकलता है, तो कौन धोएगा, वो आई मंदिर एक बत्री, आया ठीक है मैं बाहर खड़ा कर देता हूँ, ये तो छकड़ा ही छकड़ा, और छकड़े के साथ घोड़ा है, और घोड़े के दो प्रणाले है, एक से लेट कर देते, एक से पेशाब करता है, तो बाहर खड़ा कर, तो ठीक हो गया ना, अंदर तो नहीं ना आता। इस तरह ये काम का संसार, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ये हमारे मन के बाहर रहता, आज हम देवता फरिश्ता बन के भगवान की जात में समाये हो। बेटी आज तू सही रूप में देवी बन के भगवान में एक में, तुम्हें जरूरत ही कोई नहीं थी शेरावाली मनाने की, और मुझे आपकी सिर की कसम, शेरावाली और आप में 19-20 का फर्क हो जाता है, अगर ये गंदे विचार संसार में रहते आप में ना आते। देवी का मतलब क्या, भगवान की शक्ति, और मैं और आप कौन है, भगवान की शक्ति। बल्ब में फर्क क्या होता है, एक बल्ब होता है आपका 30 वाट का, एक होता है 60 वाट का, देवी 60 वाट का बल्ब है, हम 20 वाट की हैं, भगवान की भक्ति करें हम भी 60 वाट की हो जाती है, महाराज जी में लगे शक्ति ले, देवी और इंसान में क्या फर्क है, वो 60 वाट का बल्ब है, आप 20 वाट के बल्ब है, शक्ति उनमें भी काम कर रही है भगवान की, हमारे में काम कर रही है, इसे समझा करो, देवता हमारे में क्या, देवता 100 वाट का बल्ब है और हम 40 वाट के बल्ब है, आए काय 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 काय, तो फिर क्या, वो तन मन अगर भक्ति करे हो गया तलीन, महाराज जी भी एकमेक हो गया, ये समझाती है गीता, स्पष्ट कह रही है, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरी मेरे पास आ, सारी बंदे मेरी बेटी, मैं आपको गीता का ज्ञान समझाने या देने नहीं आया, समझाने आया, गीता ज्ञान तो भगवान ने दिया है, हम नालायक की मूर्खता से भूल गए, जो चीजें नहीं याद करनी थी वो याद करने लग गए, विचार स्तारवा दे कह रहा है, भगवत संबंधी विचार करने थे ना कि जगत संबंधी। अभी वेला है, वेला हाथ से नहीं गया, अपने पकड़ लो और भगवत संबंधी विचार शुरू कर दो, इसी में रखा, बाकी जगत संबंधी जो है हम जगत संबंधी व्यवहार करेंगे, सुनिए, जगत संबंधी व्यवहार करेंगे, भगवत संबंधी विचार करेंगे, इसके साथ हमारा व्यवहार होगा, लेना देना, आना जाना, आप मेरे सुख दुख में काम आए, मैं आपके सुख दुख में काम आऊं, ये था इनके साथ व्यवहार करना था, हाँ इनके साथ इतबार नहीं करना था, हमने दोनों कर लिए, मर गए, जबकि दुनिया बनाने वाला कह रहा है तान काम में मन रही ध्यान में, अब मैं और आप कब तक भगवान में जात समा गए, मेरी बेटी कभी प्रभु में तलीन हो गए होते,
अगर ये नुक्ता समझ आ जाती, अब भी वक्त है, मैं आपके साथ हूं। हां जल्दी समझ जाओ, प्रभु की दिव्य शक्ति आपके साथ है, जल्दी समझ जा मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, बुजुर्गों और भाई, हमारी जात का लाभ तब है कि आप भगवत संबंधी विचार करके संसार संबंधी विचारों को निकाल दो और उस एक ही विचार पर अपने आप को तलीन कर दो। तब समझिए कि हमने किसी भगवान के प्यारे की संगत की, गीता पढ़ी, जबकि गीता गढ़ के हमारे अंदर आ जाए। गीता पढ़ने का मतलब ही यही है कि गीता का ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, और अंदर जाने का हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, बस फिर क्या, जीव तलीन हो गया, अपना कल्याण कर गया, गंदगी से हम छुट गए, बहुत अच्छे। 17वें अध्याय का बहुत बढ़िया संकेत फिर सुनाओ। इंसान विचारों का पुतला है, जैसे जिसके विचार होती है वैसा ही वो बन जाता है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। मनोविज्ञान की शुरुआत 17वें अध्याय से हुई है, भारतीय मनोविज्ञान की शुरुआत यहीं से हुई है। श्रद्धा मैं अयम पुरुषा जो यत सत सहेव सा अकीदा ही इंसान की, यहीं से शुरू हुआ है मनोविज्ञान। भारतीय मनो जो दुनिया के मुंह में उंगलियां डलवा रहा है, मतलब हैरान कर रहा है, हमारे देश से शुरू हुआ हाय, और सारे अध्याय से शुरू हुआ, जहां ये कहा गया तुम जैसा सोच रहे हो वैसे ही बनते जा रहे हो। तो क्यों ना भगवत संबंधी सोचे, इसे कितना आला विचार होगा। आखिर में मैं विवेकानंद जी का विचार जरूर बताना चाहता हूं। अमेरिका में खूब हैरान किया उन्होंने कि जब जो हिंदू हिंदुस्तान का कोई महात्मा कहता है भगवत संबंधी विचार और जगह संबंधी नहीं, तो वो उसके कहने का मतलब क्या है। पानी दो प्रकार का होता है, सुनिए स्वामी जी विवेकानंद जी 20वीं शताब्दी के चोटी के महात्मा और गीता के पैरोकार समझाती हैं। विवेकानंद तो गीता का साकार रूप बन गए थे, स्वामी राम तीर्थ हमारे इधर के यानी पश्चिम के, और वो जो पूरब के थे ओ बंगाल के, कितना अच्छा समझा रही है दोनों गीता का साकार रूप कि पानी दो, विवेकानंद ने कहा पानी दो प्रकार का होता है, पानी दो प्रकार का होता है, पानी दो प्रकार, एक नाली का पानी एक नलके का पानी। क्या गजब का विचार बेटी, ओ सजनों, ओ खासकर यंगस्टर्स नौजवानों जी, पानी दो प्रकार का होता है कि नहीं। हाँ बाबा, एक नाली का पानी एक नलके का पानी, कौन सा पियोगे। नलके का फिल्टर्ड वाटर, छना हुआ पानी, नालियां क्यों नहीं, क्यों नाली का पिए, जबकि मैं नजर आता है वो साफ सुथरा है और सेहत बनाने वाला है। तो स्वामी जी ने कहा नेक जीवो, दुनिया में विचार दो प्रकार के होती है, जगत संबंधी और भगवत संबंधी। भगवत संबंधी विचार जीव को तरक्की देता है, जगत संबंधी जीव को क्या करता है, वो गिरते ही गिरते। तो कौन से विचार करोगे। और शाश कर उठे अमेरिका वाले, हाय 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 हाय, ये विवेकानंद ने कहा घर में बैठ के समझाना, विचार दो प्रकार के भगवत संबंधी जगत संबंधी, पानी दो प्रकार का, एक नाली में बहता हुआ पानी एक नल वाला पानी। सेहत बख्शने वाला कौन है, नल वाला, कौन सा पानी पियोगे, नल वाला, नल के नाली वाला नहीं, नहीं। कौन से विचार करने योग्य है, अब इस समय स्वामी जी भगवत संबंधी विचार करने है, न के जगत संबंधी। अच्छा, इसी बात को गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी ने क्या फरमाया सुनो। कहती है एक महात्मा जी थे, अच्छा तो वो हर रोज दोपहर को भिक्षा करने जाते थे। सुनिए तो, यही उनका बरसों से क्या स्वभाव बना हुआ था, दोपहर को जाना दो चार घर मांगने, जितना मिल जाना उसी में सबर करके आके खा लेना। एक दिन की बात तो सुनो, क्या हुआ क्या हुआ। हाँ, वो दो चार घरों में गए, किसने एक फुलका किसने दो फुलके दिए, ले लिए, लेकिन आज उस महात्मा जी को दाल नहीं दी, सब्जी नहीं दी, अचार नहीं किसी ने दिया, और मांगते नहीं थे किसी से जो कि अपने आप दे दे। कोई भगवान की ऐसी इच्छा हुई, फुलके तो मिल गए लेकिन किसी ने सब्जी नहीं दी या दाल नहीं दी, कोई बात नहीं, घर में आ गए, कुटिया में आ गए, अपने एकांत में आ गए। अच्छा, एकांत में आकर के हाँ, कटोरी उनके पास थी, उन्होंने कटोरी के आगे रख ली और एक एक गिलास तोड़ा और कटोरी के साथ छुआ के खाने लगे, और एक गिलास पानी का भर के रख के पी लिया, पी के आ, फिर दूसरा गिलास, तीसरा गिलास, तीसरा गिलास यूं खाने लगे, फुलका एक गया, दो गया, तीन गए, चौथे फुलका का भी आधा खाया गया। पीछे उनका दोस्त
जो है क्या कोई मानिया खंडानंद जी आ गए, कोई और स्वामी जी आ गए? लेकिन भोजन कर रही है तो मैं जरा खड़ा रहा हूं, खा ले, आधी रोटी इनकी रह गई है। तो उन्होंने से एड़ियां उठा के देखी, क्या बात क्या है, साथ सीसी कर रही है। तो वो देखती है कटोरी तो खाली है, कटोरी में कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्रास तोड़ती है कटोरी के साथ लगाती है अंदर, लगा के फिर घुट पानी का पी लेते हैं, जैसे किसी में मिर्चें पट रही हो ना, दाल में बड़ी मिर्च हो तो कोई हरी मिर्च डालते हो तो हरी मिर्च कभी क्या शनिवार वाली होती है तो चुभती है बड़ी बुरी तरह, मंगलवार वार वाली और चुभती है, शनिवार की और चुभती है। तो इसे शीशी कर रहे थे, तो बाकी उनके दो तीन ग्रास रह गए। तो स्वामी जी ने ऊपर से कहा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? भोजन कर रहा हूं। कुछ समझ नहीं आया, मैं तो बड़ी देर के खड़ा हूं तेरे पीछे, मैंने कहा भोजन कर ले, तो ये सीसी का कर रहे हो, ये भी आपने देख लिया। तुम मुझे शाबाश, तुम साई रोटी का गया, शाबाश मैं 100 बार देने को तैयार हूं। नए स्वामी ने कहा, ये कर क्या रहे थे? भाई आज मुझे कोई सब्जी नहीं मिली, कोई दाल ही कोई नहीं मिली, हाँ तो मैंने अपने आगे स्वभाव अनुसार कटोरी रख ली। स्वामी जी समझा रहे गुरुदेव जी, हाँ तो मैंने ये समझ लिया कि दाल मिली है गंगा जमनी दाल कौन सी होती है, माश और चने की, माश और चने इकट्ठे मिलाए आप खाते हो ना, इसे बोलते गंगा जमनी दाल, हाँ गंगा जमनी की दाल मिली है, अच्छा उसमें मिर्ची बहुत ज्यादा है, हाँ तो मैं सीसी करता हुआ और एक घुट पानी का भर भर के सारी रोटी खा गया। हाँ देखो मैं कितना सियाना, चल मेरी पीठ ठोक कि तू बड़ा सियाना है, नहीं तेरे जैसा मूर्ख मैंने कोई देखा ही नहीं, मैं मूर्ख, ये डिग्री दे रही हो मुझे, हाँ तुम बड़े मूर्ख हो, जा कुली कर, कुली कुली करके आ गया, आधा भुरका नहीं खाया गया, उनको मूर्ख कह दिया, पक्षी को डाल दिया। सुनिए जरा महापुरुष कैसे ढंग से समझा गए, मैं मूर्ख हूं, हाँ सुन तू महामूर्ख, मैंने कोई नहीं देखा तेरे जैसा मूर्ख, तेरी बुद्धि नहीं खुली, तू भगवान के नजदीक नहीं पहुंचा। हाय मेरे रब्बा, उल्टा मैं समझ, तू मुझे शाबाश देगा प्यार करेगा तो तू तो उल्टी बात करने लग गया, तू है ही उल्टा, तू है ही बुद्धू, मैं बुद्धू, तू है बंद गोभी पत्ते ही पत्ते। हाय मेरे रब्बा, वो देवियो अब पूछते पहले महात्मा कैसे, मैं मूर्ख कैसे हुआ, जब तुझे दाल नहीं मिली तो रब की मर्जी, नहीं सब्जी मिली तो परमात्मा की इच्छा, फिर मैं कितना, तू सियाना कैसे हुआ, जब तूने कल्पना की कि मुझे दाल मिली से मिर्ची है, तो कल्पना दाल की और मिर्चों वाली कल्पना ही करनी थी तो रबड़ी वाली कल्पना कर लेता, खीर की कल्पना करता, आज मुझे बड़ी खीर मिली है जिसमें कई मेवे डले हुए हैं, बड़ी मजेदार खीर है, तो यूं खा के खुश की तरह खाता, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी है, मजे से रोटी खा जाता, कल्पना की तो कल्पना ही की ना, ये क्या से किया ना, तो क्या मिर्च वाली दाल की कल्पना करनी थी। गुरुदेव कहते हो बदबख्त इंसान, जब ख्यालों पे जीना था तो मजेदार विचारों पे क्यों नहीं जिया, आला विचारों पे क्यों नहीं जिया, ये मिर्च वाले विचार काम के क्रोध के। ओ स्वामी जी आपको बार बार प्रणाम, इस दास का बार बार प्रणाम ले लो, क्या गजब का दृष्टांत, मेरे पर बड़ा भारी असर डाल गया। जब विचारों पे जीना है तो उच्च विचार क्यों ना करें, भगवत संबंधी क्यों, जगत संबंधी विचार, काम भरे, क्रोध भरे, मोह भरे, लोभ भरे, कर 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 सीसी करते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, ये कोई लियाकत है, मूर्खता नहीं। प्रेमानंद ने कहा, हाय बड़ी भारी मूर्खता, सचमुच तू बहुत दनाह है, वो सचमुच अगर मैंने कल्पना करनी थी, क्यास करना था, सपोज किया, आज दाल तो मैंने सपोज कर लिया कि दाल तो मिली है पर मिर्ची है, तो मेरे अगर सपोज ही करके रोटी खानी थी तो सपोज कर लेता, मुझे खीर मिली है, मुझे रबड़ी मिली है, मुझे मलाई मिली है और उसमें माखी डली हुई है, कल्पना मजेदार होगी, जीवन अच्छा कट जाता। यही माँ बाप समझाते, गुरु समझाते, ब्राह्मण समझते कि पुत्र जब इंसान विचारों पे जीता है तो क्यों ना भगवान के विचार करे। यही तो रब ने कहा, क्या जो है मेरी तालीम पर कार पर, जो महाराज जी के ज्ञान पे जिंदा है, महाराज जी के ज्ञान के विचारों पर जिंदा है, लगे बाजी लोक भी बना गए और परलोक भी बना गए, नहीं तो भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो मेरी ज्ञान को अपनाते नहीं ये दुनिया है उसकी दोनों जहां से मारे जाते हैं। 17वें अध्याय का संकेत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत चोटी का संकेत।
बिगड़ी बना लो मेरे बेटे, शानदार इंकलाब लाइए अपने अंदर, शानदार इंकलाब। बस बाकी कल का दिन है, परसों हमारा पावन दिवस आ रहा है, पावन गीता जयंती का महा उत्सव जो हम बाद दोपहर 3 बजे मनाना चाहते हैं। बाद दोपहर 3 बजे से लेकर कोई 1.5 घंटा 4:30 बजे तक। सजनों देवियों, पर कल का दिन, कल 18वें अध्याय का संकेत लेंगे। आज सवेरे 18 अध्याय का संकेत हो गया, 2 घंटे लग गए आज हमें सवेरे। कल देखो इस वक्त भगवान के 2 घंटे न लगे, क्योंकि 18वें अध्याय में सारा सार आ जाता है, निचोड़ आ जाता है। 18वें अध्याय का संकेत क्या है? 4 शब्दों में है, केवल 4 शब्द। कल विचार करेंगे, गहराई में उतरेंगे। आहा, आज तो इतना शुक्र मनाए, यही लेके जाए 17वें अध्याय का संकेत। 17वें अध्याय का संकेत लेके जाए, क्या क्या कहा? इंसान विचारों का पुतला है, जैसे जिसके विचार वैसा वैसे समझ लो। इंसान विचारों का पुतला है, हाड़वा चाम का नहीं, शक्ल का नहीं, बल्कि इंसान शक्ल नहीं, इंसान अकल का नाम है। शक्ल नहीं अकल, शक्ल नहीं अकल बेटे, शक्ल नहीं अकल। अपनी भाषा बोलते हैं आकृति नहीं प्रकृति। इंसान क्या है? अंदर की प्रकृति स्वभाव। आकृति कहते हैं शक्ल को, आकृति नहीं प्रकृति। उर्दू वाले बोलते हैं इंसान सूरत नहीं सीरत। और मैं क्लियर करूं, इंसान सूरत नहीं बल्कि सीरत। सीरत मैंने स्वभाव है। इंसान जो है शक्ल नहीं अकल है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। परमात्मा का विस्तार में अध्याय का प्रभाव हम सब पे पड़ जाए, हम भगवान के भगवत संबंधी विचार करने शुरू कर दें। जैसे विवेकानंद जी ने कहा, क्या जब पानी पीना हो तो नालियों क्यों पीते हो, नलके का पियो। स्वामी जी कहती है, जब कल्पना करके रोटी खानी है तो क्यों ना मीठी चीज की कल्पना करके खाए, जब विचारों पर जिंदा रहना है तो क्यों ना भगवान के विचार करें। क्यों जहान संबंधी विचार करके हम दुखों में घुल घुल के मरा करें। हाँ, दोनों आजकल मॉडर्न महापुरुषों के विचार बड़े कमाल के हैं, हमें समझा रहे गए भगवत संबंधी विचार से इनकलाब लिया है, भगवत संबंधी विचारों से। एक एक जो मैंने सुना रहा आपको संकेत दिया, कितने कमाल का है, कितनी शानदार तब्दीली लाता है हम सबके अंदर, कितना बड़ा उपकार है गीता जी का हम सब पर। और जरा मेरे साथ जयकारे लगाइए, गीता लाती इनकलाब, गीता लाती इनकलाब, गीता हमारी सदा नवीन, गीता हमारी सदा नवीन। ओए होए होए, गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब, गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश एवर ग्रीन, एवर फ्रेश एवर ग्रीन। सुखी रहो नेक जीवो, गीता के उपदेश को अपनाकर अपना जन्म सफल कर लो। शमशान में जाने से पहले अपना परलोक परलोक बना के जाओ। भगवान करे ऐसा ही हो, प्रभु कृपा करे अपना ये जन्म हम सफल करके जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपने शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्णा की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।